सुल्तानिया 351 चक का मैं रहायशी हाँ। तो मेरे घर वाले फौत हो गए तकरीबन 2 साल हो गया। तो शादी की एड्डी ख्वाहिश तो कोई नहीं सी, लेकिन एक बंदा बड़ा ही इतमाद वाला ना जरा ना इतमाद अपना आप दबा के, तो उन्हें मैंने ये झांसा दिता कि मैं तेरी शादी करा देना बगैर पैसे तो बगैर किसी खर्चे तो। मैं वो चक्कर आ गया, वो इस चक्कर करा के तकरीबन 27,000 रुपया नगद, 2-2, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार करके लै गया मेरे को। तकरीबन 25,500 का कपड़ा लै गया, 5 सूट कपड़िया के 5,500 का एक सूट आ। तो अद्धा तोला जेवर उन्हें आख्या जी अगर लड़की वाले ने मजबूर किया तो फिर असी लड़की नू पा देंगे, वो घर तो तेरे ही आना है ना, तो अगर लड़की वाले रजामंद रहे तो चलो फिर वो अमानत है साढ़े को, तो उ असी वापस कर देंगे। वो जनाब तकरीबन 1 महीना हो गया वा, ना उन्होंने कोई लड़की वाले ना गल कराई आ, ना लड़की विखाई आ। लड़की की 40 साल की औरत आओ। तो उस तो बाद जो मैं इन्हों ये गल आखी बई तुम मैनू कि चक्कर फसा लाए हो, ना मेरा कोई काम हल कर दो, एवं गलां लारे लाई आ। उन्होंने कहा जी सानू वरी का समान होर खरीद करके दे, जबकि 25,000 का अगे खरीद करके लै गया। मैं उन्होंने आख्या भाई मेरे को एक रुपया भी नहीं है तो ना मैं होर दे सकदा। उन्होंने कहा जी जब निकाह तेरा करावे असी अदालत में। मैं कह भी जिस टाइम अदालत निकाह हो जाएगा वो मेरे घर आ जाएगी, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक जिहड़ी जिहड़ी वो चीज़ उन्होंने जरूरत दी होगी मैं उन्होंने लै के दिंदा रहा, अपनी जिंदगी गुजार जाएगी। लेकिन वो इस चीज़ से बेजिद सी कि सानू वरी दे पैसे घट तो घट 20,000 रुपया नगद दे। मैं उन्होंने जवाब दिता भाई मेरे कोई शह नहीं गई तो ना मैं दे सकता। फिर वो आ गए धमकियां दिते भी साढ़े को ना कोई रुपया वापस करना, ना करना तेनों असी ना कपड़े वापस करने तो ना करना जेवर वापस, लिहाजा तेरे को जो कुछ हुंदा वा कर ला। मैनू जनाब 1 महीना हो गया थाणियां दे चौकियां दे चक्कर ला ला के, 15 दिन 16 दिन मैनू चौकाजम थाने दे विच चक्कर लाउंदिया हो गया, 10 बजे सवेरे आ जाओ, 4 बजे शामी आ जाओ। 16 दिन बाद मैं DSP साहब दे पेश होया, उन्होंने चौकी ते दरखास्त मार की, चौकी वाले ने हफ्ता मैनू हो गया चक्कर दवाउण डए आ। मैं गरीब आदमी हाँ जिहड़ी मजदूरी कमाउंदे आ, वो पेट्रोल पा के तो मैं थाने दे चक्कर लाउंदा फिरदा, तो लिहाजा मेहरबानी करा के ना कोई अल्लाह ते उहदे महबूब दे सदके को मेरे ते शफकत की जाए, तो मेरी जिहड़ी वो हक रसाई कराई जाए।